इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज शुरू होने से पहले ही बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रही है, उसमें से एक चीज के बारे में मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को। और इसी सीरीज के बारे में पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान माइकल क्लार्क ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जाकर बात करेंगे इसके बारे में कि क्या हम भारत के लिए स्प्लिट कैप्टनसी देख सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कैप्टन्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक नए रूल के बारे में। तो इन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। आगे से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को जरूर देखिए। रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा के बारे में एक बहुत बड़ा खबर आया हुआ है, और वो ये है कि पहले दो टेस्ट मैचेस ये दो खिलाड़ी नहीं खेलने वाले हैं। ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड ईशांत शर्मा नॉट पार्ट ऑफ द व्हाइट बॉल सीरीज एज वेल। इंडियन टी20 लीग में इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से दे हैव नॉट प्लेड क्वाइट अ फ्यू गेम्स देयर। ईशांत शर्मा तो रूल आउट ही हो गए थे पूरे टूर्नामेंट से, और उनकी इंजरी कंसर्न्स अभी भी जारी है। एंड बोथ ऑफ देम गाइस आर ट्रेनिंग एट द NCA इन बैंगलोर राइट नाउ। लेकिन खुलासा हो चुका है कि द फर्स्ट टू टेस्ट मैचेस दे आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। श्रेयस अय्यर माइट बी कॉल्ड बैकअप, देयर इज समथिंग दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। और रोहित शर्मा पहले ही व्हाइट बॉल सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं, व्हिच इज गोइंग टू बी अ बिग शॉकर फॉर इंडिया। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ कंपटीशन। और टेस्ट मैचेस में पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली खेलेंगे, बाकी के तीन में वो भी नहीं खेलने वाले हैं। तो क्या इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, सिर्फ आगे जाकर वक्त ही बताएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद बाकी के तीन टेस्ट मैच खेलने वाले हैं फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से। इस विषय को लेकर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया को बहुत दिक्कत होने वाली है इन विराट कोहली एब्सेंस। और पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान माइकल क्लार्क का भी यही मानना है। ही सेड दैट इन द ODIs एंड T20Is विराट कोहली इज गोइंग टू बी देयर, सो इट्स ऑब्वियसली एन एडेड एडवांटेज फॉर टीम इंडिया। लेकिन टेस्ट मैचेस में विराट कोहली के बगैर भारत कैसे करेगा? आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी अ 4-0 डिफीट इज व्हाट माइकल क्लार्क हैज सेड। हमें सिर्फ वक्त ही बताएगा भारत का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। लेट्स ऑल होप दैट वी गेट टू सी अ ब्रिलियंट सीरीज। भारत की कप्तानी में स्प्लिट्स होनी चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कप्तान होने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चर्चा हमेशा से रहा है। एंड नाउ देयर हैज बीन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन आकाश चोपड़ा एंड गौतम गंभीर, बिकॉज गंभीर का ये मानना है कि रोहित शर्मा कैन बी अ बेटर कैप्टन टू लीड इंडिया इन T20Is। लेकिन आकाश चोपड़ा ये मानते हैं कि इंडियन T20 लीग के परफॉर्मेंसेस, वहां की कप्तानी को देखकर आप इंडियन साइड नेशनल साइड की कप्तानी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो उचित नहीं होगा। यहां पर एक बैटल चल रहा था टू ग्रेट क्रिकेट कमेंटेटर्स, ग्रेट एक्सपर्ट्स के ऊपर, लेकिन पार्थिव पटेल जो हैं वो ही इज ऑल्सो स्टिल प्लेइंग, बट ही इज अगेन ओपिनियन ऑन दिस एंड ही सेड दैट ही इज विद गौतम गंभीर, ही बिलीव्स दैट रोहित शर्मा कैन बी अ बेटर कैप्टन इन T20Is। इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा अभी भी चल रहा है। आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि आपको रोहित शर्मा एज एन इंडियन T20I कैप्टन चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप बता दीजिए मुझे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक नया रूल रिलीज किया हुआ है, और इस रूल के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी जो 15 साल के नीचे है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल नहीं सकता। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेन्स क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट एज वेल एज अंडर-19 क्रिकेट। लेकिन इस रूल से एक रिकॉर्ड ऐसा बन चुका है जो कभी भी टूटा नहीं जा सकता, एंड दैट इज पाकिस्तान के खिलाड़ी थे हसन राजा, जिन्होंने डेब्यू करी थी 14 इयर्स एंड 227 डेज जब उनकी उम्र वो थी, तब उन्होंने डेब्यू किया था। एंड नाउ विद दिस रूल बीइंग इन प्लेस, उनके नीचे एब्सोल्युटली नोबडी कैन कम एंड ब्रेक दैट रिकॉर्ड, वही बनेंगे यंगेस्ट खिलाड़ी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये बन जाती है दोस्तों आज की खबर। अगर आप लोगों को अच्छा लग गया ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में आपकी राय क्या होगी ये भी बता दीजिए, और अगर अब तक किया नहीं है तो क्लिक करके पेज को एक बार फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसे ही वीडियोज़ के साथ।